सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गणितीय अभियोग्यता की। हम बात करेंगे गणितीय अभियोग्यता के अंतर्गत की साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, सम्स होते हैं, एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो इन सवालों को किस तरीके से हल किया जाए। हम बात करेंगे सबसे पहले गणितीय अभियोग्यता के अंतर्गत जो हमने आज साझेदारी को शामिल किया है उसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है उसे ले लेते हैं। पहला सवाल ये है कि ए बी और सी ने अपनी पूंजी 3:4:6 के अनुपात में लगाई है किंतु उनके लाभांश समान रहे, उनके पूंजी लगाने के समयों में अनुपात क्या होगा। यानी कि ए बी सी ने अलग अलग 3:4:6 में लगाई पूंजी और उनके लाभांश जो भी आया, जो लाभ बेनिफिट आया वो बराबर रहा, उनके पूंजी लगाने के समयों में अनुपात बताना है। तो हम जो ये सवाल हल करेंगे वो हम अनुपात विधि के माध्यम से हल करेंगे। ए बी और सी पूंजी का अनुपात लिख लेते हैं पहले। पूंजी का अनुपात बराबर कितना है इनका? 3:4:6। ठीक है, अब लाभांश क्या है? समान लाभांश है तो लाभांश का अनुपात क्या होगा? लाभांश का अनुपात, लाभांश चूंकि समान है तो 1:1:1 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि जब चूंकि इनके लाभांश समान है इसलिए ए बी और सी में हमें अवधि का अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए अनुपात में लगाई तो अवधि का अनुपात निकालना है किसमें? ए बी और सी में अवधि का अनुपात क्या होगा? जो ए है यानी कि 1/3 हो गया, कितने टाइम के लिए? 12। अनुपात 1/4 हो गया क्योंकि 4:1 में लगाई थी बी ने, गुणा हो गया 12। अनुपात 1/6 सी ने 6:1 में लगाया था, ये हो गया 12। ठीक है, तो जब इसको हल किया जाएगा तो यहां पर क्या आ गया? 3×4=12, 4×3=12, 6×2=12। तो अवधि का अनुपात क्या हो गया? 4:3:2। तो इस अनुपात में उन्होंने क्या लगाया? धन लगाया। ए ने 4:3:2 के अनुपात में यहां पर धन लगाया। अब बात कर लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल जो इससे संबंधित है वो दूसरा सवाल है कि मानस ने, इसको ऐसे कर देते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होगा जिससे कि, चलिए यहां पर क्या है, मानस ने 42,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है, और अपना व्यवसाय आरंभ किया और 7 महीने बाद 50,000 रुपये की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया, ठीक है ना। अब वर्ष के अंत में 30,160 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो इस लाभ में हमें कमल का हिस्सा बताना है कि कमल का हिस्सा कितना है। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं, अनुपात विधि से करेंगे तो आसान रहेगा इसको भी। मानस लिख लिया और यहां पर लिख लिया हमने कमल। मानस ने कितना रुपया लगाया था? 42,000। मानस ने लगाया था 42,000 और बाद में इसने कमल ने कितना लगाया? 50,000। तो हमने यहां लिख लिया 50,000। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 42:50 के अनुपात में यहां पर लिख लेते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं जो मानस है, मानस ने कितने महीनों के लिए पैसा लगाया? 12 महीनों के लिए। लेकिन जो कमल है वो कब आता है? 7 महीने के बाद आता है। तो यानी कि कुल कितने महीनों के लिए उसने पैसे लगाया? 5 महीने के लिए, क्योंकि कुल कितने हुए? 12 महीने, 7 महीने बाद आया तो 5 महीने ही तो बचे। तो उसने कितने महीनों के लिए पैसे लगाया? 5 महीनों के लिए। तो यहां पर इसका अनुपात निकाल लें, 42 को 12 से गुणा कर देंगे और यहां 50 को 5 से गुणा कर देंगे। तो जब 42 को 12 से गुणा करेंगे हम, 12×2=24, 4×12=48, 504 आ गया, ठीक है, और यहां कितना आ गया? 204
50, तो अनुपात कितना आया 504 और 250, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, इनका अनुपातिक योग निकाल लेते हैं या इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। तो दो भागों में जब हम इसको बांट रहे हैं तो ये दो भागों में बांटने पर कितना आ जाएगा 252 और ये 250 का आ जाएगा 125, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, यानी कि 252 और 125 का अनुपातिक योग आएगा 7 और 7 और 3, 377। तो यहां पर जो कुल लाभ होता है, कुल लाभ कितना था, कुल लाभ हुआ था 30,160 रुपए का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, कमल का लाभ निकालना है। तो कमल का लाभ कितना होगा, कमल का लाभ होगा 30,160 गुणा 125 और अनुपातिक योग कितना आया था 377। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद यहां पर आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम 10,000 रुपया। तो कमल को कितना लाभ होता है यहाँ पर 10,000 रुपये का उसको लाभ होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, सीधी सीधी जो यहाँ से निकाल लेते, तो सिंपल विधि थी ताकि स्टेप बाय स्टेप इजीली उसे समझा जा सके। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न तीसरा है हमारा। तीसरा प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है उसमें दिया है कि तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड, जो क्रमशः 8,000, 6,000 और 4 रुपए का निवेश एक व्यापार में करते हैं, ठीक है, और भागीदारी करते हैं, और वे इस शर्त पर भी सहमत हैं कि उनका लाभ उनके निवेश की पूंजी के अनुपात में ही वितरित होगा। तो तदनुसार यदि कुल लाभ 15,453 रुपया हो तो उसमें एक्स का भाग कितना होगा ये निकालना है हमें। एक्स का भाग कितना होगा ये निकालने के लिए अनुपात ही निकाल लेते हैं, एक्स वाई और जेड है। एक्स ने कितना लगाया 8,000, वाई ने कितना लगाया 6,000 और जेड ने कितना लगाया 4,000, ठीक है। अगर सिंपल कर ले, 8 अनुपात 6 अनुपात क्या हो गया 4। अब इसको और सिंपल कर ले तो ये 4 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है ना। अनुपात को भागों में बांट दिया जब, तो 8 का कितना हो गया 4, 6 का 3, 4 का 2। अब जो ये अनुपात लगाया गया है, ये अनुपात का अगर आनुपातिक योग कर लें तो कितना आएगा 4, 3, 7, 7 और 2, 9, ठीक है। तो आनुपातिक योग कितना आया 9। कुल लाभ उन्हें कितना हो रहा था 15,453 रुपया। तो कुल लाभ बराबर कितना था 15,453 रुपया था। तो x का हिस्सा हमें निकाल के देना है, यहां देख लेते हैं हम x का हिस्सा। तो x का हिस्सा कितना होगा, x का हिस्सा ये है। तो लाभ कितना है यहाँ पर 15,453, 4 बट्टा कितना हो गया 9। तो जब आप इसे हल करेंगे, तो हल करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, 6,868 रुपया एक्स का हिस्सा। सिंपल है, अनुपात के विधि से अगर करेंगे तो आसान रहेगा, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करिएगा। प्रश्न का उत्तर आने से मतलब है, हल करने से मतलब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि एक्स वाई एक व्यापार, एक्स और वाई एक व्यापार अपने धन का 15:8 के अनुपात में करते हैं, ठीक है, और उनके वार्षिक लाभों का अनुपात 21:16 रहा। तदनुसार यदि एक्स ने अपना धन 10 महीनों के लिए निवेश किया हो तो एक्स के निवेश का समय निकालना है, ठीक है ना। यही कर लेते हैं, एक्स और वाई का अनुपात लिख लेते हैं। 15:8 कितना दिया है हमें 8, यहां पर हमें अनुपात दिया हुआ है, तो 15:8 कितना हो गया 8। निकालना क्या है कि एक्स ने कितना निवेश किया और इसने कितना निवेश किया, वाई ने 10 महीनों के लिए निवेश किया, वाई ने कितने महीनों के लिए 10 महीनों के लिए निवेश किया, और जो लाभ हुआ उनका अनुपात रहा 21:16। ये तो क्या था,
जो पूंजी लगाई वो थी। ये क्या था कि कितने समय के लिए यहाँ पर निवेश किया, और ये था कि दोनों का लाभ का अनुपात कितना रहा। आगे समझ। अब बात करें, अगर यहाँ पर ये प्रश्न हमारे सामने आ गया पूरा, अब हम कर लेते हैं कि जो अगर यहाँ पर 15x का समय बटे 8 × 10, तो ये यहाँ पर कितना आ जाता है हमारा 15 × x का समय, x का समय और 8 × 10। हाँ, तो जब इसे x का समय निकालते हैं तो x का समय बराबर क्या आ जाएगा, 21 × 8 × 10 बट्टे क्या आ जाएगा 15 × 16। तो यही सारी चीजें तो दी हैं, 21 × 8 क्या था, 21 बट्टे 16 था ये, तो ये आ गया, और इधर 15 बट्टे 8 था तो ये आ गया, और ये 10 ये आ ही गया। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहां पर जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं यहां पर भी, ये आएगा 7 महीने। आप चाहे तो कर लीजिए, 2 × 4 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, जैसे आप करना चाहे, 5 × 3 = 15, 3 × 7 = 21, 7 × 2 ये आ गया 14 बट्टे 2, तो 2 × 7 = 14, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 7 माह। आ गया समझ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीका है। एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी से संबंधित, वो अगला प्रश्न है हमारा ये कि हमारा प्रश्न क्या है कि ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ठीक है, ए उस पर 7 महीने 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने 12 बैल चराता है, और सी उस पर 3 महीने 15 बैल चराता है। यदि चारागाह का किराया 175 रुपया है तो सी को अपने हिस्से कितने हिस्से का किराया देना होगा। ठीक है ना, तो ये प्रश्न है हमारा, अनुपात लिख ही लेते हैं यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए ने कितने बैल चराए, 10, बी ने 12, सी ने 15। सी ने कितने बैल चराए, 15। ए ने कितने महीने के लिए चराए, 7 महीने के लिए, बी ने 5 महीने के लिए, और इसने 3 महीने के लिए चराए। ठीक है, अब ये तो क्या थे, लिख लेते हैं नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा, ये थे बैल और ये थे महीने। ठीक है, अब अगर किराए का अनुपात निकाल लें, यहां से हम किराए का अनुपात निकाल लेते हैं, 10 × 7 = 70, 12 × 5 = 60, और 5 × 15 = 45। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर किराया। ठीक है ना, अब इसे सिंप्लीफाई कर ले अगर यहां पर, तो अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी किया जा सकता है डायरेक्ट। यहां पर जब अनुपात करेंगे हम तो अनुपात जब हम करेंगे यहां पर, ये अनुपात डायरेक्ट निकाल लें अगर 5 × 1 = 5 से निकाल लेते हैं, हाँ 5 × 5 से अनुपात का यहाँ पर रेशियो निकालते अगर हम, तो ये आ जाएगा 12 और 5 × 45। ठीक है, अब इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, 35। वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल लेंगे, जैसा भी आप सुविधाजनक लगे। यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि एक माध्य मान लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये 70 जो आया है, ये हाँ ये 35 इनका क्या आ जाएगा, अनुपातिक योग आ जाएगा। कुल किराया कितना था, कुल किराया कितना था 175 रुपया। कुल किराया है 175 रुपया। अब सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा कितना होगा, 175 × 9 / 35 × बराबर कितना आ जाएगा, ये 35 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 45, यानी कि सी का हिस्सा कितना था, 45 रुपया। आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप जैसे हल करना चाहिए 5 के पहाड़े से कर लीजिए, 3 जैसा आप करना चाहें वैसे कर लीजिएगा, आंसर फाइनली आएगा 45 रुपीज। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आप चाहे ना तो ये वाला यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया कि कॉमन मान लिया, और उस कॉमन के आधार पर इसका अनुपात ये निकाल लिया, एलसीएम विधि समझ लीजिए एक तरीके से, तो उसके आधार पर हमने ये अनुपात निकाल लिया, तो हमारा यहाँ आया 35। आप चाहे तो ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा,
ठीक है ना, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे कीजिएगा। तो ये कुछ विधि थी अनुपात के आधार पर साझेदारी के सवालों को हल करना। बाकी कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसमें आप वार्षिक निवेश निकाल लें, लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है थोड़ी सी, तो उस लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए ये सिंपल मैथ्स का यूज किया गया। हमें पूरी अपेक्षा है आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।